अपिया, लुक और सीम, तीनों का मतलब प्रतीत होना या मालूम पड़ना या दिखना। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है वह पागल लगती है, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से ऐसे ट्रांसलेट करें, इट अपियर्स दैट सी इज मैड, या फिर आप ये कह सकते हैं इट सीम्स दैट सी इज मैड। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को थोड़ा एडवांस तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अपियर या सीम, उसके बाद टू बी के साथ एडजेक्टिव। जैसे आपका सब्जेक्ट है वह, तो आप लिखेंगे शी, उसके बाद आप अपियर या सीम का इस्तेमाल करें। हो सकता है फ्रेंड्स आप ये सोचें कि कैसे पता चलेगा कि कब अपियर का यूज करना है और कब सीम का इस्तेमाल करना है, तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने वीडियो के लास्ट में इस बात को बताया है कि अपियर, सीम और लुक में क्या फर्क है, यानी इनका अलग अलग क्या इस्तेमाल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखें सब्जेक्ट, उसके बाद अपियर टू, उसके बाद आप लिखेंगे बी। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचे कि ये बी क्यों, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि अपिया के साथ एक इन्फिनिटिव का लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा टू बी। जरूरी नहीं कि हमेशा आप टू बी लिखें, जब बात कोई रखने की होगी तो आप टू बी के जगह पर टू हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो यहाँ पर टू हैव का इस्तेमाल होगा। जैसे अगर आपको कहना हो ऐसा लगता है तुम्हारे पॉकेट में कुछ है, तो यहाँ पर टू बी नहीं बल्कि हम टू हैव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम रखने की बात कर रहे हैं। तो जब हम कोई चीज रखने की बात करेंगे तो हम टू हैव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हमें किसी का कंडीशन बताना हो, यानी किसी के बारे में बताना हो, किसी का हालचाल बताना हो, तो हम टू बी के साथ उस एडजेक्टिव को लिखते हैं। आगे के एग्जाम्पल्स में मैं आपको टू हैव का भी इस्तेमाल बताऊंगा। तो आप लिखेंगे सी अपियर्स टू बी, और उसके बाद आप लिखेंगे मैड, यानी जो बात आप उसके बारे में कहना चाहते हैं आप उसे कहें। वह पागल लगती है, तो आप कहेंगे सी अपियर्स टू बी मैड। आप ये भी कह सकते हैं सी सीम्स टू बी मैड। तो फ्रेंड्स, या तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करें या फिर आप ऐसे, ये आपके मर्जी पर डिपेंड है। दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। आइए फ्रेंड्स कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखें जहां हैव का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो लगता है तुम्हारे पास पैसा है, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे It appears that you have money, या फिर आप ये कह सकते हैं It seems that you have money। लेकिन इसी बात को अगर आप एडवांस तरीके से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं You appear to have money या You seem to have money। तो फ्रेंड्स, एडवांस तरीके से बोलना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अपियर टू या सीम टू, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे अगर आप कोई बात रखने की कर रहे हैं तो, फिर उसके बाद जो नाउन है आप उसे लिखें। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो तुम गरीब मालूम पड़ते हो या तुम गरीब लगते हो, तो आप इसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला तरीका जो बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे बोलें इट अपियर्स दैट यू आर पुअर या इट सीम्स दैट यू आर पुअर। तो एक तो ये तरीका है जो आप कह सकते हैं, और दूसरा तरीका आप अपियर को या सीम को एज ए वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन है तुम गरीब मालूम पड़ते हो, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट है यू, उसके बाद आप अपियर या सिम लिखेंगे, जैसा कि मैंने अपियर या सिम का इस्तेमाल किया हुआ है, उसके बाद आप टू बी के साथ उस एडजेक्टिव को लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बी के साथ मैंने लिखा है पुअर। तो हमारा पूरा सेंटेंस हुआ यू अपियर टू बी पुअर या यू सिम टू बी पुअर। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए दो तरीका है, या तो आप इट अपियर्स दैट या इट सीम्स दैट करके अपने सेंटेंस को बोलें, यानी उसके बाद आपके सेंटेंस नॉर्मल वे से ट्रांसलेट होंगे, या फिर आप अपियर या सीम को एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल करें जैसा कि आप टेंस में करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो आपको खास तौर पर याद रखना होगा, चाहे अपियर हो या सीम, ये दोनों एक इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं, इसलिए इनके बाद 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना जरूरी है। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो ऐसा लगता है तुम नाश्ता कर चुके हो, तो आप नॉर्मल तरीके से कहेंगे इट अपियर्स दैट यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं इट सीम्स दैट यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल तरीके से आप इसे ऐसे कह सकते हैं। बात अगर एडवांस तरीके की है तो आप फिर ऐसे कहें, सबसे पहले आप लिखें सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद अपियर टू, उसके बाद अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है तो आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें, या जिस टेंस में है उस टेंस के अकॉर्डिंग उसे ट्रांसलेट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये परफेक्ट टेंस है, तो मैंने लिखा हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो मैंने लिखा है Have taken breakfast। तो जब आप इसे एडवांस तरीके से इस्तेमाल करेंगे
तो आप अपीयर टू के बाद वही काम करेंगे जो आपने टेंस में सीखा, यानी टेंस में आपने सीखा सब्जेक्ट के बाद हैव एज, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अपीयर टू लिखेंगे, उसके बाद जो टेंस में है आप उस टेंस के अकॉर्डिंग उसे ट्रांसलेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि बाय द वे अगर आपके इस तरह के सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे ऐसा लगा या ऐसा लगा था, यानी है की जगह पर अगर था लिखा हो, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप अपीयर की जगह पर अपीयर्ड या सिम की जगह पर सिम्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऐसा लगा था, आप कहेंगे इट अपीयर्ड दैट या इट सिम्ड दैट। लेकिन यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे कि अगर इस तरह के सेंटेंस रहा रही में हो तो आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ऐसा लग रहा है, तो आप कभी ऐसे ना लिखें इट इज अपीयरिंग या इट इज सिमिंग। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो चाहे ता करके है या रहा करके, आपको इसी तरीके से ट्रांसलेट करना होगा। यानी अगर रहा रही में है तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होगा। ऐसा लगता है तुम शराब पीते हो, तो फ्रेंड्स आप इसे नॉर्मल तरीके से कहेंगे इट अपीयर्स दैट यू ड्रिंक वाइन। लेकिन अगर आप इसे एडवांस तरीके से कहना चाहें तो आप कहेंगे यू अपीयर टू ड्रिंक वाइन, यानी आप अपीयर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आइए फ्रेंड्स ये देख लें कि अपीयर, लुक और सीम में फर्क क्या है, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अपीयर, लुक और सीम तीनों का मतलब प्रतीत होना या मालूम पड़ना या दिखना। तो फिर कैसे समझे कि कब हमको अपीयर का यूज करना है, कब लुक और कब सीम। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा अपीयर और लुक इन दोनों का यूज हम तब करते हैं जब हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी किसी को सीधे तौर पर देखते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं तो हम अपीयर और लुक के जगह पर सीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप मेरे सामने हैं और मैंने आपको देखकर कहा कि आप थके हुए लग रहे हैं या आप थके हुए मालूम पड़ते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हुआ, तो मैं यहाँ पर अपीयर या लुक का इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा यू अपीयर टू बी टायर्ड, या फिर मैं ये कह सकता हूँ यू लुक टायर्ड। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे फोन पर बात किया और आपके बातों से मुझे एहसास हुआ कि आप थके हुए हैं, तो यहाँ मैं कहूंगा यू सीम टू बी टायर्ड, यानी आप थके हुए लग रहे हैं। तो चाहे सीम बोलूं या अपीयर या लुक, मीनिंग तो सभी के एक हैं, बट हम सीम का इस्तेमाल तब करते हैं जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ना हो, जब उस चीज को हम सीधे तौर पर ना देखते हो। फ्रेंड्स अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा जब आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं और सामने वाला का चैट कुछ ऐसा हो मानो कि वह गुस्सा हो, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं यू सीम टू बी एंग्री। आप ये नहीं कह सकते हैं यू अपीयर टू बी एंग्री या यू लुक एंग्री। तो फ्रेंड्स ये है डिफरेंसेस। अपीयर और लुक का इस्तेमाल हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं, जबकि सिम का इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक खास बात आपको ये भी बता दूं कि अपीयर और सिम ये दोनों एक इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं, यानी अपीयर और सिम के बाद टू का लिखना जरूरी है। लेकिन अगर हम बात लुक की करें तो लुक के बाद कोई इन्फिनिटिव नहीं आता, बल्कि आप कोई एग्जेक्टिव या नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह कॉन्सेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।